रात पूछती है, जो झूम के गुजरी तारों की बारात पूछती है। ये जो चमका है वो सूरज भी पूछता है, ये चहकते फुदकते पंछियों की जमात पूछती है। फूलों से बगीचे की हर क्यारी ये बात पूछती है, आखिर क्या है पानी की तरह बहना, हवा की तरह कानों में कुछ कहना, अंतहीन आकाश सा चुप रहना, अंगारों के बीच रहकर आग को सहना, मगर धरती की तरह स्तब्ध हमेशा मौन रहना, धरती की तरह स्तब्ध हमेशा मौन रहना। जीवन एक लय का नाम है, मैंने इस लय को जिया है, मैं निर्जीव हूं लेकिन गुलामी के हलाहल को पिया है। भारत की आजादी में एक किरदार मैं भी हूँ, मुझे आसान भाषा में चरखा कहते हैं। बापू ने हर मुश्किल को हराने के लिए सरलता को अपनाया, मैं उनके प्रयास से भारतीय जनमानस को भाया। केवल एक वस्तु के तौर पर मेरी पहचान नहीं है, बल्कि मैं स्वतंत्रता के भान का पर्याय बन गया हूँ। सामाजिक चेतना के सभी आयाम मेरी गति के साथ गतिमान है। सत्य मेरी स्थिर धुरी ने केवल और केवल स्वतंत्रता के भाव की सच्चाई को धारण किया है। शरीर श्रम मेरी चक्रीय गति परिश्रम के यज्ञ का निर्वाहन करती है। अहिंसा दया के साथ कपास चुनकर सूत में ढालने की नियत ही मेरा पुरुषार्थ है। अस्वाद बिना किसी आसक्ति या स्वाहित के मेरा स्वावलंबन देश को संतुलित पोषण प्रदान करता है। अस्तेय आवश्यकता से अधिक पाना या किसी अन्य की वस्तु को लेना मेरी जीवनचर्या नहीं सिखाती। अपरिग्रह किसी भी चीज का संग्रह ना करते हुए रुई के मुलायम रेशों को सादगी से मजबूत खादी बनाकर बांटना ही मेरा काम है। स्वदेश मैं भागीदार बना हूँ सतत धारणीय विकास का, मेरी दृष्टि में निज संसाधनों का संतुलित उपयोग ही आर्थिक उन्नति है। अभय सत्य को धारण कर अहिंसा से जनमानस को निर्भय करना ही मेरा परिणाम है और यही आत्मनिर्भर होने का कारण है। स्पर्श भावना मेरे संचालन के सहर्ष स्पर्श में न लैंगिक भिन्नता है न ऊंच नीच का अंतर, एक संभाव और समरसता की नैतिक अभिव्यक्ति ही मेरे होने का प्रमाण है। ब्रह्मचर्य मेरी खादी एक परिधान है जो सभी में श्रेष्ठ और अग्रणी सदचरित्र का प्रतीक बन गया है। सर्वधर्म संभाव भारतीय व्यक्तित्व का एक आदर्श व्यवहार सहिष्णुता है जो मेरी तकली में समेटे सात्विक धागे के समान सभी धर्मों में मानवता का अंश स्वीकार करता है। बापू के इन व्रतों का निर्वाहन हर भारतीय जनमानस को विश्व शांति का दूत बनाता है। मैं इस यात्रा में सहयात्री हूँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।